हेलो। तो गाइज यार, कैसे हो आप सब लोग? इस चैनल के ऑनलाइन वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो गाइज यार, आज मैं इस वीडियो में लेकर आऊँ पबजी मोबाइल का एक नया अपडेट, जिसका जो है हमारा रॉयल पास का सीज़न नंबर 10। तो इस सीज़न जो है 10, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या क्या नए लीक्स उसके निकल के आ रहे हैं, तो वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसकी फाइनल ड्रेस कौन सी है, उसमें स्किन्स वगैरह जो कुछ भी उसके बारे में फुली डिटेल है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, तो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, अभी तक आप किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, तो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज यार, ये कुछ लीक्स है, तो वो गाइज मैंने एक चैनल से लिया है जिसका नाम है घोष गेमिंग। तो आप उनके चैनल को जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हो और चेक कर सकते हो सारा कुछ। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, इसमें जो हमारा सीज़न 10 का जो हमारा सबसे पहला जो नया अपडेट है, तो वो गाइज ये एक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो गाइज ये कुछ ऐसे इमोट होगा इसका, तो ये सीज़न 10 कुछ ओवरव्यू कुछ ऐसा है इसका। तो उसमें गाइज आपको जो रॉयल पास वैसे खरीदते हैं तो सारा कुछ वैसे ही है, तो जितने का होता है 600 यूसी का और 1800 का, तो वो सारा कुछ वैसा ही है। तो गाइस, मुझे इमोट बहुत अच्छा लगा इसका, और सीज़न 10 का कुछ ओवरव्यू ऐसा है, तो इसका जो लोगो है सीज़न 10 का, तो वो गाइस कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइस, आपको सीज़न 9 का अच्छा लगा और 10 का अच्छा लगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको इन दोनों में से कौन सा जो है अच्छा लगता है। तो गाइस, इसका जो आगे कुछ अपडेट है तो वो कुछ ऐसा है, इसकी जो फाइनल 100 RP की ड्रेस है, तो गाइस वो ये ऐसी दिखती है, तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। और गाइस मिथिक ड्रेस है, तो ये गाइस इसमें AKM की एक ड्रेस मिलेगी, ए मीन स्किन मिलेगी। तो यार, AKM की स्किन भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम है रॉयल पास में है। तो ये गाइस सीज़न 10 का जो बैकग्राउंड ओवरव्यू मीरा मार जैसा है, अभी बेटा वर्जन में आपको जो जो चीज़ें वगैरह वो अभी 9 की ही शो करेगा। तो गाइस ये जो है ऐसा कुछ है इसका बैकग्राउंड, जो मेन मेरे हिसाब से मीरा मार पर बेस कुछ ऐसा बनाया गया। तो इसका क्रेड भी आप देख सकते हो, इस पर लिखा है स्पेस आई थिंक। तो सीज़न 10 का रॉयल पास फ्यूरी ऑफ द वेस्टलैंड, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा ऑसम इन्होंने निकाल दिया है। तो इसका सारा ओवरव्यू, तो कुछ और देखते हैं कि और आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये कुछ लीग्स के आइकन से, चलो ये तो वही है। तो सीज़न 10 के नीचे है साइलेंसर वगैरह, यार ऑसम। तो और इसमें क्या, ये कुछ एक ड्रेस इसमें स्किन, यार M249 की स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑसम, और ये एक बाइक की स्किन वगैरह साथ में आपको मिलेगी। तो यार काफ़ी चीज़ें हैं, पैराशूट की भी स्किन है इसमें। तो ये रॉयल पास के कुछ रिवार्ड्स वगैरह हैं, तो आगे वो आएंगे। तो ये 100 RP की ड्रेस है जो आपको मिलेगी फाइनल, ये पूरी ऐसी ड्रेस देखने को मिलेगी, लावा बैरेट सेट। तो यार सेट ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैग्नेटिक सोल्जर सेट, तो ये भी आपको सीज़न 10 में मिलेगा देखने का, मैग्नेटिक सोल्जर सेट। तो चलो ठीक है, लेजेंड्री है। तो आगे आपका कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो इसमें नाम तो मैं नहीं बता सकता, कोट सूट वगैरह है कुछ ऐसा, तो अच्छा लग रहा है, ये भी ठीक ठाक है। तो और आगे, तो ये एक कुछ लीक आया है इसका पबजी का, तो ये भी ड्रेस अच्छी है, ये सीज़न 10 की ये तो लगी रही है, ये मेरे हिसाब से फाइनल होगी सीज़न 10 में ये वाली ड्रेस। तो और इमोट्स वगैरह इसमें क्या आएंगे, तो ये हमारा पहला इमोट है, तो ठीक है, ये ऐसे ऊपर नीचे हाथ मारता होगा, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये रोरिंग किंग कॉन्ग, तो किंग कॉन्ग टाइप ये है। तो ये कुछ इमोट्स जैसे प्रॉपर नहीं है, तो ये उन्होंने थोड़ा ओवरव्यू सा दिया है, ये हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा है। तो और देखें और क्या है, ये सर पे हाथ रख के खड़ा है, यार क्या हो गया तो कुछ ऐसी ही चीज़ें, ओ वाओ आई एम विनिंग, तो ये भी अच्छा है। तो ये चाबी पन्ने उड़ा रहा है, तो चलो ठीक है कुछ, ये तो यार हंसने वाला तो हमारे पहले में ही है। तो ये गाइज ये तो चलो नहीं आएगा, तो ये बंदूक से ठा आई थिंक उंगली से गोली मारे। तो ये कुछ डांस वगैरह है, तो आगे और देखते हैं। और तो हाथ में पिस्टल, नहीं पिस्टल तो शायद नहीं आएगा, वैसे ऐसे कुछ करेगा तो आई थिंक वही होगा। तो ये कुछ बिल्डिंग्स, तो अच्छा लग रहा है यार। तो ये हमारी बाइक की स्किन है, और साथ में एक ड्रेस भी मिलेगी आपको, ये गाइज पीले रंग की,
तो ये मुझे पुरानी लग रही थी पीले रंग की शायद मेरे हिसाब से। तो ये रॉयल पास 10 की ये कन्फर्म है, तो इसका भी कुछ कन्फर्म नहीं है कि आएगी या नहीं आएगी। तो ये आपका सेनॉक, तो इसके ग्राफिक्स वगैरह तो चलो नहीं कुछ ऐसे किए हैं, ऑलमोस्ट वही लग रहे हैं। तो ये गाइस मीरामार का जो हमारा मैप है उसमें थोड़े से मेरे हिसाब से लगेंगे हाँ भी चेंजेस। तो गाइस ये हमारी कुछ ड्रेसेस वगैरह हैं, तो ये पांचों जो है ये कन्फर्म है मेरे हिसाब से। सीज़न 10 का पैराशूट बहुत ही ज़्यादा ऑसम। तो ये सीज़न 10 का हमारा क्रेट, तो क्रेट भी अच्छा लग रहा है। तो गाइस हमारी आ गए सीज़न 10 की M249 स्किन। तो यार आपको स्किन कैसी लगी तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो और हमें आगे क्या मिलेगा, तो बॉक्स आइटम्स, तो आपसे बॉक्स में कौन कौन सी आइटम्स देखने को मिलेगी। तो ये बॉक्स का जो कार्ड वगैरह है वो कुछ ऐसा होगा, तो ये आपको कार्ड्स वगैरह उसमें मिलेंगे। तो इस कार्ड की यूसेज वगैरह क्या होगी, मेरे हिसाब से यूसी वगैरह का कुछ ऐसे यूज़ होगा। तो ये तो गए सीज़न 10 आने के बाद ही पता लगेगा। तो ये बर्गर किंग है, बर्गर किंग यहाँ भी ऐड करने लगा। तो गाइस यार चलो ये अच्छा, ऐसे क्रेट्स बने होंगे इस पर। तो वो कार्ड्स है जो है वो ओवरव्यू क्रेट्स का था, तो इन सभी क्रेट्स में से कुछ जो है क्रेट्स आएंगे। तो ये सारे मेरे हिसाब से इन्होंने बनाए वगैरह हैं, जो आगे शायद अपडेट किसी और में भी आ सकते हैं, तो सीज़न एक्स्ट्रा आगे में। तो और देखते हैं कि वो बर्फ का क्रेट विकेंडी में, विकेंडी टाइप इन्होंने निकाला है, तो हर टाइप का निकाला है। मुर्गा का तो चलो मुर्गा तो हम अच्छा नहीं है। तो ये कुछ और इन्होंने, ये तो क्रेट्स मेरे हिसाब से रेड कलर का ऐसे पहले भी था थोड़ा सा इसके जैसा, तो ये भी शायद आएगा। ये सीज़न 10 का लोगो, तो गाइज यार अच्छा है नॉर्मल लोगो जो है सीज़न 10 का। ये आरपी कार्ड ऐसे होंगे हमारे अब। तो ये सीज़न 10 का आगे जो है गोल्डन लोगो सीज़न 10+ का। तो गाइज यार ये 10+ का आपको लोगो मिलेगा जिन्होंने इलाइट बड़े वाला पास लेंगे। तो ये स्टार चैलेंज का थोड़ा सा है, तो ये कितना लिखा है, ये तो पुराना ही लग रहा है। ये बर्गर किंग का पैराशूट इसमें देखने को मिलेगा। तो गाइज़ यार ये भी चलो अच्छा दिख रहा है, तो बर्गर किंग ऐड कर रहा है तो अच्छी बात है। तो ये क्लब ओपन का है फॉल्स स्प्लिट का, तो ये क्लब ओपन में शायद आपको कुछ इवेंट में आएगा। तो गाइज़ यार कार 98 की स्किन तो बहुत ही ज़्यादा औसम है यार, ग्रीन और गोल्डन कलर की। तो ये हमारा कुछ ये फ्रेम है, तो ये फ्रेम्स वगैरह इसमें आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो फ्रेम चलो अच्छा है, तो ये भी गाइज अच्छा लग रहा है यार फ्रेम। आई थिंक लेजेंड्री में या आएंगे ये लेजेंड्री और या एपिक में। तो ये भी अच्छा है रेड कलर का, रेड और सिल्वर। तो और आगे देखते हैं कि और हमें आगे क्या क्या देखने को, कौन कौन से फ्रेम देखने को मिलते हैं। तो चलो ये भी अच्छा है हमारा टूटा फूटा सा सीज़न 10 का। तो गाइज और देखते हैं कि और हमें क्या देखने को मिलता है, रैंक अप गन स्किन। तो रैंक अप करने में आपको गन की कौन सी स्किन मिलेगी, तो ये तो चलो M249 की स्किन, ये तो पहले देख चुके होगी ऐसी स्किन होगी। तो और गाइस देखते हैं कि और हमें कौन कौन सी स्किन देखने को मिलती है। तो चलो इसका ओवरव्यू तो दिखा हुआ है, तो आपको यार कैसी लगी है स्किन तो मुझे यार प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस हमारा आ गई यार ये ड्रेस, तो ये बहुत ही ज़्यादा औसम है वेस्टलैंड की। तो गाइज ये भी इसमें कन्फर्म है क्योंकि बैक साइड में आए। तो यार लकी स्पिन ने में M416 की भाई स्किन यार बहुत औसम। तो गाइज यार स्किन लकी स्पिन, ये M4 की स्किन गाइज देख सकते हो, आपको लकी स्पिन ने देखने को मिलेगी। तो गाइज यार स्किन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये अपग्रेडेबल स्किन होगी मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आप इसे अपग्रेड वगैरह भी कर सकते हो, जैसे मेरे पास एक AKM की स्किन है, तो मैं उससे किल करता हूँ तो मेरा वो घोस्ट जो हेलोइन बन जाता है बंदा, तो आपका लूट क्रेट वैसा बन जाएगा करेगा कुछ ऐसा वगैरह इसमें देखने को मिलेगा। ये हमारी नॉर्मल जो स्किन है, तो वो अपग्रेड कर करके आपको वैसी वो दाती वगैरह उसमें से जो है सारी निकल आएंगी। तो गाइज़ यार ये स्किन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो आपको ये स्किन कैसी लगी तो मुझे यार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइज़ आगे जो है हमारी पैन की स्किन, तो गाइज़ यार पैन की, अरे भाई साहब क्या 85 लिखा या 35 लिखा। तो गाइज ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो जैसे बाहर से गोली वगैरह इसमें लगाई हुई है, तो गोली वगैरह बजी हुई, तो वो सारा इसमें ऐसे देखने को मिलेगी। तो गाइज यार पेन भी अच्छा लग रहा है। तो और आगे देखते हैं कि हमें 35 ही लिखा है आई थिंक, सीज़न 35 में तो नहीं आएगी नहीं, 35 में नहीं गाइज, ये इसी में ही आएगी। तो ये कुछ एरर वगैरह उनमें आ रहा है,
तो गाइज और हमें आगे देखते हैं कि और हमें क्या देखने को मिलता है। तो गाइज नेक्स्ट जो है आउटफिट्स वगैरह और जो बहुत सारी चीज़ें वो क्या क्या आएंगी तो वो देखते हैं। एकोलिप्स गार्डियन सेट, तो गाइज ये भी हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा रॉयल पास में या कुछ और क्रेट्स वगैरह में, तो यहाँ कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। डेजर्ट ट्रूपर सेट, तो ये भी अच्छा लग रहा है, लेजेंडरी सेट है, तो ये भी हमें कुछ क्रेडिट्स वगैरह में या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आगे हमारा रॉयल पास में शायद हो। रॉयल पास में तो नहीं निकालेंगे, सेशन ऑफ द डॉन सेट, तो ये भी अच्छी है। ड्रेस लड़के वाली ज़्यादा अच्छी होगी आई थिंक, जहाँ तक सेशन क्रीड वगैरह वैसे कुछ ना कुछ होगा। तो मैकेनिकल मर्कनरी सेट, तो चलो ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है, एपिक है, लेजेंडरी, लेजेंडरी सेट है। तो और गाइज और देखते हैं पास ग्लोरी सेट, तो ये गाइज मुझे ठीक ठाक सा ही लगा, तो इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, तो ठीक है ही है, कच्चे बनियान में कच्चे और टी शर्ट। तो इरिडेटेड फ्रॉग सेट, तो कछुए टाइप सेट है, तो ये भी यार ठीक लग रहा, ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा है, नीचे पैंट थोड़ी अजीब सी है, आपको कैसा लगा यार? स्नो फ्लैक गर्ल सेट, तो ये भी यार लड़की वाला सेट अच्छा है, दूसरा मिथिक आइटम है यार, चलो ठीक। तो नीचे यार मुझे टाइप करके बता दो कैसा लग रहा है आपको। फॉरेस्ट वॉरियर सेट, तो ये सेट हमारा कुछ देखने को मिलेगा, ये देसी टाइप है कुछ, ये हमारे जो पंजाबी बंदे, तो पंजाबी नहीं कुछ साउथ इंडियन जैसे वैसे है, नाइट किटन सेट, तो ये चलो ये भी अच्छा लग रहा है। तो और देखते हैं कि और कौन कौन सी आउटफिट इसमें आ रही है। तो फॉरेस्ट असेशन सेट, तो यार ये सेट पे सेट निकाली जा रहे हैं, इतने आएंगे भी तो सभी तो नहीं कंफर्म है, मैक्सिमम इनमें से ही आएंगे। क्रिस्टल बनी सेट, तो गाइज मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें भी कुछ जो आए थे वो तो थे ही, कुछ एक्स्ट्रा भी थे, तो कंफर्म नहीं है कि सारे ही आएंगे। हेलो इन वेम्पायर सेट, तो ये हमारा किलविश बना दिया इन्होंने लग रहा है, तो सभी तो नहीं आएंगे, कुछ कुछ जो है उनमें से आएंगे। तो गाइज यार आपको वीडियो कैसी लगी तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट अगर कोई लीक्स वगैरह आते हैं तो वो भी मैं नीचे कमेंट में जो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कमेंट वगैरह ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय।